हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमेटिकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं और उनके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रही है लखनऊ से, आपके साथ में साझा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका एक बहुत बड़ा मीटिंग था, जिस मीटिंग को देखते हुए दीपावली दीपोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के कार्यकर्ता थे, यूनिसी के कार्यकर्ता, वो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने की उम्मीद रख के उस मीटिंग में पहुंच गए, कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश या सुरक्षा कारणों की वजह से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखिए यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भारत के सबसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें हम ईपीएस 95 पेंशन भोगी के नाम से जानते हैं, वो सबसे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अपना सहयोग दिया, उनकी बात को सुनने के लिए समय नहीं है। पूरी खबर को हम एक बार विस्तार से समझ लेते हैं कि क्या माजरा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज लखनऊ में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में, जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय एवं प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से समिति के सर्वश्री दिलीप पांडे एवं उमाकांत सिंह जिला अध्यक्ष लखनऊ के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। परंतु श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो वहां के केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं श्री आशुतोष टंडन नगर विकास मंत्री जी से मुलाकात हुई। मिलने के बाद पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया गया तथा उनसे मार्ग पत्र उन्हें दिया गया। हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि किसी भी तरह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पेंशनरों के समस्याओं से अवगत कराया जा सके। देखिए कब तक हम सफल होंगे। राजीव भटनागर मीडिया प्रभारी हैं, इनके द्वारा इस खबर को जो तो पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम चल रहा है, ये दीपावली के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है, दीपोत्सव कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी सहित केंद्र के बहुत सारे वरिष्ठ जो मंत्री नेतागण हैं वो सब इसमें सम्मिलित थे। इसको देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सोचा कि क्यों न हम इस पार्टी में या इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और अपनी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। लेकिन सुरक्षा कार्य इतना हैवी था कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो एनएसी के कार्यकर्ता थे या ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में जो गए हुए लोग थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं कर सके, जिस कारण से उन्होंने शिक्षा मंत्री तथा नगर विकास मंत्री जी से मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंप दिया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं उनको आए दिन किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत करा के एक ज्ञापन सौंप दिया। और ज्ञापन सौंपने के बाद वो लोग निरंतर इस कोशिश में हैं, इस प्रयास में हैं कि कितना जल्द हो सके तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर उन्हें भी ईपीएस 95 पेंशनरों के समस्याओं से अवगत कराएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय।